हेलो दोस्तों, यूपी में फिल्म निर्माण एवं फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में फिल्म सिटी के निर्माण की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश यह जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा कि हम एक उम्दा फिल्म सिटी तैयार करेंगे। फिल्म सिटी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बेहतर होगा। यह फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी, साथ ही रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। इस दिशा में भूमि के विकल्पों के साथ यथाशीघ्र कार्य योजना तैयार किए जाए। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरठ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसके दृष्टिगत बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता व निर्देशक उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है और अब राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट्स तथा फिल्म सिटी की स्थापना के संबंध में कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बनारस फिल्म मेकर्स की पहले से ही पसंद बने हुए हैं। सरकार ने फिल्मों की शूटिंग के लिए पहले से ही सुगम नीति बनाई हुई है। हाल ही में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की गुलाबो सिताबो, आयुष्मान खुराना की बालाड और ड्रीम गर्ल, कार्तिक आर्यन की पति पत्नी और वो अजय देवगन की रेड जैसी अनगिनत फिल्में उत्तर प्रदेश की ही कहानियां हैं और यहां पर ही शूट की गई हैं।